हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकाडेमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी राधामोहन आई एम ए पेशियोनियर एजुकेटर आई एम एलुमिनस ऑफ आईआईटी बॉम्बे आई हैव मोर देन टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग गाइडिंग एंड मेंटरिंग सिविल सर्विस एक्सपीरियंस आई वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सर्विस ऑल्सो एंड आई है आई हैविड आई हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फाइव टाइम्स इन यो

टुमारो आई विल टेक ए क्लास रिवाइजिंग ऑल जोग्राफी मेड सिंपल सीरीज़ का जो एन सी आर टी क्लास सिक्स का मैंने पढ़ाया हूँ सारे चैप्टर्स का एक समरी क्लास लूँगा कल फोर थर्टी पी एम आप अन एकेडेमी ऐप डाउनलोड करके उसमें मेरे को लाइव देख सकते हैं और एंड वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है सो दोज हु आर फॉलोइंग मी हियर इन यूट्यूब दे कैन ऑल्सो फॉलो मी इन अनएकेडमी ऐप दे यू कैन डाउनलोड अन एकेडमी ऐप एंड इन दैट यू कैन सर्च मी एंड टमोोरो आई विल टेक ए क्लास फिफ्टींथ अगस्ट फोर थर्टी पी एम देअर इज ए शेड्यूल्ड क्लास इंड दैट एन सी आर टी क्लास सिक्स का पूरा समरी समरी क्लास लूँगा कल फोर थर्टी पी एम तो आप मेरे को उसमें फॉलो कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न टूगेदर सो टूडे वील डिस्कस एन सी आर टी क्लास सेवन चैप्टर सेवन एंड चैप्टर एट चैप्टर सेवन का सेटलमेंट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टिल दोज विच आर इम्पोर्टेंट थिंग्स आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम दैट चैप्टर वो आपको बता दूंगा एंड चैप्टर एट बहुत इम्पोर्टेंट है इट इज़ अबाउट लाइफ इन एमेजन मेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इसमें हम क्या क्या सीखेंगे क्या क्या क्लाइमेट है उसका एंड वेजिटेशन क्या है ये बेसिन में एंड वट इज द इकोनमिक ऑफ दैट रीजियन एंड लाइफ स्टाइल कैसा है एंड फ्लोरा एंड फना इन दैट रीजियन मतलब कौन सी एनिमल स्पेशीज क्या प्लांट uh, स्पेशीस मिलता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे सो टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड चैप्टर एट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेवन वी विल क्विकली कम्प्लीट सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अन एकेडमी अनएकेडमी का आप लर्निंग ऐप आप, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से एंड उसमें बहुत सारे कोर्सेज चलता है डेली लाइव क्लासेस चलता है जैसे कि कल मैं क्लास लूँगा एन सी आर टी क्लास सिक्स का समरी क्लासेस वो दो घंटे की रहेगी सारे एन सी आर टी क्लास सिक्स जो कवर नहीं किए हैं जो लोग पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं कि दोज हुव ऑलरेडी अटेंडेड ऑल्सो दे कैन रिवाइज दैट दे केन अटेंड दैट सेशन एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल तो डेली लाइव क्लासेस चलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है लाइव टेस्ट एंड क्विज भी चलता है अनलिमिटेड एक्सेस होता है तो यू कैन गेट दीज बेनिफिट्स फ्रॉम दैट लर्निंग एप

तो इसमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा तो इसमें आपको आ, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए कैसे पढ़ाई करना चाहिए क्या क्या फोकस करना चाहिए तो एक पर्सनल लेवल पे आपका इंटरेक्शन होगा आपके मेंटर के साथ जैसे मेरे के साथ आप टच में रह सकते हो एंड आई विल गाइड यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू योर टिल योर एंड तो इसमें आपको ट्वेल्व तो, तो, तो मंथ का फीस पड़ेगा अराउंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बाई यूजिंग माई कोड एस पी जेना यू कैन गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए हमारा एटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ है तो अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके उसमें थोड़ा सा कम प्राइस है उसमें आपको ये पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा बाकी सारे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इसमें आपका ट्वेल्व मंथ्स का फी होता है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यू कैन यूज माय कोड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एस एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड so सो दिस दिस इज दबाउट ऑन एकेडमी सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज course तो so, हमारा जो आज प्री का सिलेबस में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा एजुअल एज इंडियन ज्योग्राफी का ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र वेसिन कवर होगा सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ये आएगा तो मेन एग्जामिनेशन में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सेवन क्लास सेवन एन तो इसको हम क्विकली कंप्लीट करेंगे ये बहुत छोटा कंसेप्ट है छोटा टॉपिक है तो so, सेटलमेंट क्या है तो जहाँ लोग हैबिटेट करते हैं जहाँ लोग घर बनाते हैं रहते हैं उसको हम सेटलमेंट कहते हैं तो विलेज ऐसा रूरल सेटलमेंट विलेज जो देखते हैं हम रूरल रुरा, सेटलमेंट होता है वेयर पीपल पीपुल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मोस्टली प्रीडोमिनेट इन रूरल सेटलमेंट लाइक एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरेस्ट्री क्राफ्ट ट्रेडिंग एट्सेट्रा रूरल सेटलमेंट कैन भी कंपैक्ट और स्केटर्ड ये कंपैक्ट भी हो सकता है एंड स्कैटर्ड भी हो सकता है कंपैक्ट क्या है मैंने क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स क्लोजली बिल्ट एरिया जैसे ये एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एग्जांपल है इसमें सारे घर देखोगे तो आप बहुत क्लोजली दे आर बिल्ट एंड बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट कहाँ होता है जहाँ थोड़ा डिफिकल्ट टू लाइव ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहता है ये स्कैटर्ड कम्युनि सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है बहुत डिस्टेंस में एक एक घर मिलेगा आपको तो डेलिंग्स आर स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिलली ट्रैक्स थीक फॉरेस्ट एंड रीजियंस ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट के क्लाइमेट एंड हिली ट्रैक्ट्स में स्कैटर्ड एलिमेंट्स सेटलमेंट मिलेगा इन रूरल एरियाज पीपुल बिल्ड हाउसेज टू शूट देयर एनवॉर्मेंट जो रूरल एरिया होता है उसमें अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट दे हैव डेवलप्ड देयर सेटलमेंट एंड देव डेवलप्ड देयर हाउसेज सो देट दे कैन प्रोटेक्ट देम नेचुरली फ्रॉम दी क्लाइमेट्स लाइक इन हैवी रेनफॉल रीजियन देयर इज स्लांटिंग रूप्स जहाँ हमारा हैवी रेनफॉल होता है तो तो जो रूप होगा वो स्लांटिंग रूप सो दैट वाटर कैन क्विकली गो डाउनवर्ड ठीक है वाटर जमा हो के नहीं रहेगा हैवी रेनफॉल एरिया में ऐसे स्लांटेड रूप से रहता है प्लेसेस वेयर वाटर एकूमलेट्स जहाँ वाटर एकूमलेट करता है जहाँ पानी जमा जमता है ग्राउंड में तो उधर क्या होता है तो उधर हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और, और स्टील्स मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म में वो घर बनता है जैसे ये देखिए पिक्चर में वाटर सेटलमेंट वाटर लगिंग हो रहा है तो रेज्ड प्लेटफॉर्म में ये घर बना हुआ है ये वर्दी स्टील ये क्यों दिखा रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट कभी कभी प्रलिम में क्वेश्चन पूछता है यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स वेरी ब्रीफली एंड थिक मड हाउसेस थिक मड वर्ल्ड हाउसेस थेचड रूफ थेचड रूफ मतलब वो स्ट्रॉ से उसका रूफ बना होता है कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ऐसे कच्चा घर रहेगा आपका वाल जो है मड वॉल्स रहेगा एंड ये जो रूफ से ये कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का रेसिड्यू का ये रूप्स होता है ठीक है तो इट इज इनसाइड देर वुड बी वेरी कूल एंड कूल कंडीशन कमन इन एरियाज इन हॉट लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन मॉड एंड क्ले स्ट्रॉ इट इज आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट इन अर्बन एरियाज पीपल्स आर एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज ठीक है कोई भी डाउट होता है बीच बीच में यू कैन आस्क एंड लाइवली एंड वी कैन डिस्कस दो क्लरिफाई दो ट्रांस ह्यूमन्स किसको कहते हैं ट्रांस ये प्रिलिम में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कितना क्वेश्चन आता है तो ट्रांस ह्यूमन्स क्या है इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन द सर्च ऑफ न्यू पेस्टर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स Uh, हमारा जो ट्रांस ह्यूमंस क्या है तो सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल सीजनल मूवमेंट कैसा है जैसे समर में जैसे हिमालयन रीजन में कश्मीर रीजन में उत्तराखंड रीजन में क्या होता है uh, जब विंटर होता है बर्फ़ बा, बा, गिरता है तो स्नोफॉल्स होता है तो इन अपर हिली रीजन्स दे कैन नॉट ह्यूमन कैन नॉट सेटल देयर तो बट इन समर व्हेन स्नो इज क्लियर वी कैन गो अप टू हायर अप्स इन दिल्स हायर अप्स इन द माउंटेन्स तो ये जो पेस्टर पेस्चरालिस्ट होते हैं जो एनिमल रियरिंग करते हैं तो वो समर में क्या करते हैं उनका जो uh, हर्ड लेकर वो ऊपर जाते हैं माउंटेन के ऊपर जाते हैं क्योंकि न्यू पेस्टर लैंड्स आर अवेलेबल न्यू पेस्टर लैंड्स आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ क्लियर एंडस ऑफ स्नो तो वो ऊपर जाते हैं माउंटेन के ऊपर जाते हैं समर सीजन में तो बिकॉज उधर बहुत सारे ग्रास मिलता है पेस्टर लैंड्स मिलता है फॉर देयर हॉर्स जैसे ही विंटर आता है जैसे विंटर आता है स्नोफॉल्स होता है दे देन रिटर्न टू द लो लो एरियाज तो प्लेन में आ जाते हैं वापस तो इनका ये सीजनल मूवमेंट को हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं ये जो ह्यूमन को इसी इसी प्रोसेस को हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं जो सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल पीपुल हु रियर एनिमल्स मूव सर्च अप न्यू पेस्टर के सर्च में जाते हैं ऊपर समर में फिर विंटर में वापस आ जाते हैं नीचे एरिया में तो इसको हम ट्रांस ह्यूम प्रोसेस कहते हैं तो इसी के साथ हम चैप्टर सेवन कंप्लीट होता है हमारा बहुत छोटा चैप्टर है एंड बहुत सिंपल है सो आई कंप्लीटेड इट वेरी क्विकली सो विल मूव टू द चैप्टर एट दिस इज चैप्टर एइट तो लाइफ इन एमेजन बेसिन ये जो देखिए एमेजन बेसिन है हम देखे थे ऑलरेडी आई है डिस्कस्ड एस्टरडे इन द लास्ट क्लास दैट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में हम बात किए थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट तो ये जो एमाजन बेसिन है यू कैन सी दिस इज लाइज इन इक्वेटोरियल रीजियन है ना ये इक्वेटर है तो इक्वेटोरियल रीजियन में ये अमेजन बेसिन होता है दिस इज द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड एज यू हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट आई विल नॉट गो फर्दर तो ये जो अमेजन मेसिन है यू कैन चेक बेसिन मतलब क्या है बेसिन मतलब जो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है जैसे एक रिवर है ये सब उसका कैचमेंट एरिया है तो ये ये उसका बेसिन हो गया है न ये उसका बेसिन हो गया ये सारे कैचमेंट एरिया है एक रिवर का कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ से उसको पानी मिलता है वाटर मिलता है शोर्स ऑफ द रिवर सारे जगह से वाटर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जाता है मेन रिवर बनाता है और रिवर गोज़ टू इट्स एंड आउटलेट्स टू द सी तो ये जो एरिया को हम बेसिन भी बोलते हैं एंड समटाइम्स ऑल्सो वी कॉल इट कैचमेंट एरिया ये जो पर्सन को कैचमेंट एरिया कहते हैं तो अमेजन अमेजन का अगर बेसिन देखोगे तो बहुत बड़ा बेसिन है उसको लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड है तो कौन सी कौन सी कंट्री उसमें इंक्लूड होता है देखिए अगर वेनेजुएला का सर्टन पार्ट ये पार्ट बेनेजुएला कोलंबिया इक्वेडर पेरू एंड ब्राज़ील तो ही, है ही ब्राज़ील बहुत कवर्ड है बोलीविया है एंड हियर गुयाना एंड सोरानिया एंड ये सब कंट्रीज दे हैव देयर अमेजन बेसिन दे कम्स अंडर अमेजन बेसिन ठीक है तो इसका लाइफस्टाइल कैसा होता है क्लाइमेट क्या है आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो लेट्स मूव एमेजॉन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एज यू शॉ इन द लास्ट मैप तो बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट हॉट क्यों ये इक्वेटर में है सबसे ज्यादा इंसुलेशन सोलार इंसुलेशन रिसीव होता है इक्वेटर रीजियन में एज यू है डिस्कसड अर्यर इक्वेटर इज डायरेक्टली सनराइज इज कमिंग सो मोस्ट ऑफ दी सोलार इंसुलेसन इज़ हाई सो हीट इज़ मोर सो टेम्परेचर इज़ मोर एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड देर इज ह्यूमिड कंडीशन ऑल्सो रेनफॉल इज़ हैवी सो हॉट एंड वेट क्लाइमेट बिकॉज देर इज ये आर ऑलवेज मॉइस्चर इन द ए एयर एंड ऑलमोस्ट एवरी डे देर इज रेनफॉल तो इसको हॉट एंड वेट क्लाइमेट कहते हैं बहुत बहुत बारिश होता है एंड टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है एंड दैट इज़ वाई ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है सो so ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो आपका जो स्किन में आ, 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 रेस्परेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो स्किन विल फील स्टिकी स्टिकी ठीक है

एवरग्रीन फॉरेस्ट थी एवरग्रीन फॉरेस्ट उसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं और एमेजन फॉरेस्ट जो है उसको लॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं लॉन्ग ऑफ वर्ल्ड क्यों लॉन्ग ऑफ वर्ल्ड लॉन्ग ऑफ वर्ल्ड मतलब पृथ्वी का वो लॉन्ग है क्यों सबसे ज़्यादा वो टू उधर जनरेशन होता है वो टू बिकॉज ऑफ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट सो मच वोट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट फॉरेस्ट सो इट इज कॉल्ड लॉन्ग्स ऑफ द फॉरेस्ट मैं लॉन्ग्स ऑफ दी वर्ल्ड ठीक है तो एज इट रेंज हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो एंड फॉरेस्ट आर इनफैक्ट सो दैट डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लिप्स डेंस रूफ देखिए ये जो फॉरेस्ट मैं पिक्चर में लगाया हूँ ये जो फॉरेस्ट है इसका लिप्स शो डेंस दैट इट क्रिएट्स रूफ लाइक स्ट्रक्चर तो बिकॉज ऑफ दिस ये ये जो लिप्स uh, देख रहे हैं इतना डेंस रहता है तो सनलाइट पास नहीं करता है नीचे तो एक रूप लाइक डेंस रूप बना देते हैं सो एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड द ग्राउंड रिमेंस डार्क एंड डैम्प तो इसके वजह से ग्राउंड uh, हमेशा डार्क रहता है एंड बहुत सारे रेनफॉल होते हैं इसलिए हमेशा डैम्पनेस रहता है मतलब वेट रहता है जो सॉयल होता है हमेशा वेट रहता है एंड डार्क कंडीशन में ज़्यादा रहता है दैट इज यू ओनली शेड टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रोथ हियर तो ये जो ग्राउंड सरफेस में shade tolerant, shade tolerant जो आर प्लांट्स विच आर शेड टोलरेंट सेड टोलरेंट मीन्स जो छाओ में बढ़ सकता है जो छाओ में ग्रो हो सकता है उसको छेड शेड टोलरेंट वेजिटेशन बोलते हैं एंड ऑर्चिड्स एंड बोमालियट्स ये जो प्लांट पैरासाइट्स जो प्लांट के ऊपर जो दूसरा पेड़ घूम घूम के होता है उसको प्लांट पैरासाइट्स कहते हैं ये देखिए ये जो है शेड टोलरेंट प्लांट्स है ये डार्क कंडीशन में बहुत डैम्प कंडीशन में ये ग्रोथ होता है इसको हम शेड टोलरेंट प्लांट्स बोलते हैं तो ये अपर स्टाटा इंटोलरेंट स्पेशस ये अपर स्टाटा बनाते हैं ये रूप जैसे बना देते हैं ये बड़ा बड़ा पेड़ उसके बाद एक मिडिल स्ट्राटा रहता है मॉडरेटली शेड टोलरेंट एंड लोअर स्ट्राटा जो शेड टोलरेंट स्पीशीज रहता है ये शेड टोलरेंट दे कैन ग्रो इन द डार्क कंडीशन ऑल्सो और ये जो आप पेड़ देख रहे छोटा छोटा देख रहे हो पेड़ इसको हम क्या बोलते हैं जो पैरासाइटिक प्लांट्स ये दीज प्लांट्स ग्रो ओवर दी अदर प्लांट्स ठीक है तो इसको पैरासाइट कहते हैं दी रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फना बार्ड्स सच एज टोकन्स हमिंग बार्ड्स बार्ड ऑफ पैराडाइज विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड फ्लोमेक ओवरसाइज्ड बील्स, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बार्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया बहुत सारे फ्लोरा एंड फना मिलता है एनिमल्स लाइक मंकीज तो रेन रेन फॉरेस्ट इज रीच इन फना बार्स सच ए स्टोकन्स हमिंग बार्ड्स बार्स ऑफ पैराडाइज विथ दियर बिलियनली कलर्ड प्लोमेक ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मैक दम डिफरेंट फ्रॉम बार्ड्स वी कॉमनली यूज सी इन इंडिया तो आ, कैसा है ओवरसाइज्ड बिल्स ये देखिए ये जो ओवरसाइज बिल्स है ऐसा बार्ड आपको इंडिया में नहीं मिलेगा एंड आ, Uh, animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. क्रोकोडाइल्स स्नैक्स पाइथन सेवाउंड एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर ये जो एनिमल स्पेशीस आप देख रहे हो ना सुन रहे हो तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए सो दैट यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू इट तो आपका दिमाग में थोड़ा सा भी होगा तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है इसके रिलेटेड इन प्रिलिम एग्जामिनेशन सो so यू कैन रिकोगनाइज कि ऐसा स्पेशीस हम एमेजन फॉरेस्ट में मिलता है अमेजॉन फॉरेस्ट में ऐसा स्पेशीस मिलता है চ' ইউড বিন ৰকগ্নাইজ ইজি ৱান্স ইউ হেভ ৰেড ইথ এটেচন ইউ কেন ৰকনাইজ দ' স্পেচিছ ৱেন ইট কম্ছ ইন দ এগ্জামিনেশন এই মোষ্ট ইট ইজ ৰিলেটেড টু প্ৰিলিম এগ্জামিনেশন ঠিক ত মংকিজ ক্ল' এণ্ড এণ্ড ইটিং তাপিৰ্চ ভেৰিয়ছ স্পেচিছ অফ ৰেেপটাইলছ এণ্ড স্নেক্স क्रोकोडाइल्स स्नैक्स पाइथन एनाकोंडा एड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर ये दो जो स्नैक है और कहीं नहीं मिलता है ओनली इन एमेजन मेसिन वी गेट एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पेशस स्नैक्स स्पेशीज बिसेज देशन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट्स सेवरल स्पेशस ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग फ्लैश इटिंग पिरानहा फिश ये पिराना हाँ पीस जो है वो फ्लैश ईटिंग वो फ्लैश खाता है इसका जो टीथ है देखिए ये ये पिराना हाँ पीस फिश है इसका टीथ देखिए जब भी आप को, कोई भी स्पेशस एनकाउंटर करते हो नया है कोई एंडेंजर्ड स्पेशस हो गया कुछ भी स्पेशिस ये आ, कोई भी नेशनल पार्क में कोई स्पेसिफिक स्पेशस सुनते हो जैसे आ, जंपिंग स्क्ल्स तो ऐसा कोई स्पेशस सुनते हो कि नाम सुनते हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिम्बर सो इट इज़ बेटर टू सर्च इन द इंटरनेट कि वो कैसा दिखता है पिक्चराइज मेमोरी आपका स्ट्रांग होता है तो आप एक बार वो स्पेशस को देख लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा पिराना फिश अगर ये पिक्चर देख ली आपको ये आपको हमेशा याद रह गया तो आप कभी भूलोगे नहीं कि ये पिराना फिश कहाँ मिलता है अमेजन मेसिन में और फ्लैश ईटिंग फिश होता है फ्लैश ईटिंग फिश होता है वो अमेजन बेसिन में मिलता है ठीक है दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीच इन दैराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर हाँ <coughs> तो ये सब स्पेसिस मिलता है तो एक बार आप रीडिंग कर लेंगे तो मेरे, मेरे लेक्चर के बाद इफ यू विल रीड अगेन दिस क्लास चैप्टर एट देन इट वुड बी मोर इजीली रिमेम्बरेबल फॉर यू सो कीप रीडिंग आफ्टर क्लास ऑल्सो पीपल ऑफ़ द रेन फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनका लाइफ uh, स्टाइल कैसा रहता है क्या उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है एंड इट इज रिलेवेंट टू मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो पीपुल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट वेल मैन हंट एंड फिश एलॉन्ग द रिवर्स उनका जो uh, जो एक्चुअली जो uh, लोग होते हैं उधर का ट्राइब्स दे जनरली हंट एंड फीस एलंग द रिवर्स वमेन टेक केयर ऑफ दी क्रॉप्स जो वुमेन जो जो हाउस वाइफ्स होते हैं दे टेक केयर ऑफ क्रॉप्स हाई मैन हन्ट एंड फीस एलंग द रिवर्स दैट दैट इज देअर लाइवलीवुड दे मेनली ग्रो टैपीओका पाइन ऐपल एंड स्वीट पोटाटो क्या क्या है टैपीओका एंड पाइनएपल एंड स्वीट पोटाटो ये मैन क्रॉप्स उनका है

दे विल कल्टिवेट क्रॉप्स ओवर देअर सो फास्ट दे विल कट द ट्री देन दे विल बर्न इट देन दे डू कल्टिवेशन तो इसको हम स्लाश एंड बॉर्न का एग्रीकल्चर बोलते हैं वेन देट लैंड विल बिकम अनफर्टाइल इनफर्टाइल देन दे विल शिफ्ट अगेन टू न्यू एरिया तो ऐसे ही उनका ट्राइबल एग्रीकल्चर चलता है और मैन मेन क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं टेपियो का पाइन एपल एंड स्वीट पोटाटो ये आपको रिम्बर करना है यह आपको ध्यान में रखना है दी स्टेपल फूड इज़ मैन्यूक ऑल्सो नॉन एज कासावा दैट ग्रोज अंडर दी ग्राउंड लाइक पोटाटो उनका जो स्टेपल फूड मतलब जो रेगुलरली कंज्यूम रहे हैं जो मेन फूड होता है जैसे हमारा राइस कोई खाता है जो ईस्टर्न इंडिया में मोस्टली स्टेपल फूड क्या है राइस एंड फिश तो नॉर्थ इंडिया में क्या है व्हीट आटा खाते हैं रोटी खाते हैं मेनली उनका स्टेपल फूड वही रहता है तो ऐसा ही जो अमेजन फॉरेस्ट में उनका स्टेपल फूड मेनियोक, एक पोटाटो की तरह वो प्लांट है ये देखिए ये मेनियोक है काशावा काशावा बोलते हैं तो इसको आप याद रखिए क्या उनका स्टेपल फूड है मेनियोक और काशावा तो इसको पूछता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटाटो दे आल्सो ईट क्वीन एंट्स क्वीन एंट्स मतलब बड़ा बड़ा एंट स्पेसिस होता है ये देखिए उसको भी खाते हैं कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी मेज एंड कोकोआ ऑल्सो ग्रोन कॉफी कोकोआ कोकोआ साउथ अमेरिका में कोकोआ इज फेमस कैश क्रॉप में कोकोआ एंड कॉफी ए कल्टिवेट uh, करते हैं दी रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर दी हाउसेस एंड वुड वी प्लांट जो हमारा अमेजॉन फॉरेस्ट को क्लियर करके वो वुड को हम फर्नीचर के लिए यूज करते हैं वो 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 भी एक बहुत बड़ा ट्रेड है अमेजोन फॉरेस्ट में सम फैमिलीज लाइव इन थेच हाउसेस शेप्ड लाइक बिह्स देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज ऑल्सो कॉल्ड मेलोका मेलो का क्या है एक लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस ऑल्सो दे लाइव इन द अमेजन फॉरेस्ट विथ ए स्टीपली स्लान्टिंग रूफ इसको मेलो का कहते हैं ये टर्म डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है सो कीप अटेंशन टू दिस टर्म्स बिकॉज एन में जो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, हमेशा ये सब टर्म को आप ध्यान दीजिएगा कभी भूलिएगा मत जो मेलो का क्या है एक लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस इन द अमेजन बेसिन एंड विथ थे स्टीपली स्लैंटिंग रूप स्लैंटिंग रूप क्यों बहुत हैवी रेनफॉल होता है सो रेन रूप होता है ठीक है एनी डाउट्स यू मे आश्क हाय पी एंड जयपुर अंकुल आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो आपका एम पी भी उसी में तैयारी हो जाएगा आपको कोई दूसरा उसके लिए तैयारी नहीं करना पड़ेगा बट इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर एम पी इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन द प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन सब्सक्राइब टू दैट देयर इज नथिंग टू वरी यू कैन यूज़ माई कोड एंड सब्सक्राइब देयर इज नो इशू ठीक है एलक्स प्रिंस यू कैन सर्च मी इन यूट्यूब यू विल गेट एवरी लेक्चर ऑफ माइंड ऑल्सो आई विल टेक ए स्पेशल क्लास दैट अन एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें मैं स्पेशल लाइव क्लास कल लूँगा फोर थर्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें सिक्स क्लास का जितना भी पढ़ाया हूँ मैं उसका सम्री रहेगा दो घंटे की क्लास रहेगी उसमें सारे कवर करूँगा मैं किसी का कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क ठीक है लेट्स मूव तो इन नाइनटीन सेवन ओलर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर पुराना बहुत ओल्ड डेज में देयर वाज नो एक्सेस नो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टुवर्ड्स अमेजन फॉरेस्ट सो ओनली वे पीपल यूज्ड टू गो इनटू दैट एक्सेस टू दैट रीजन इज थ्रू नेविगेटिंग द रिवर তো নাইনটিন সেভেন্ট ট্রান্স অ্যামাজন হাই ও ডেভেলপ হাওয়া ইন দ্যাট সাউথ আমা ইন ব্রাজিল সো নও অল পার্টস অফ দি রেন ফরে আলমোস্ট একসেসিবল সো ইট ইজ ক্রিয়েটিন ফোর দি অ্যামাজন ফরেস্ট বিক কমিকশন ইজ রিচিং সো পিপুল আর ফাস্ট থ্রাইং অ্যান্ড ক্লিয়রিং দোজ ফরে

तो विद दिस अमेजन मशीन के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट इन हायर क्लासेस तो आज के लिए ये खाली इंट्रोडक्शन है ये जो सेवेंथ क्लास का हम पढ़ रहे हैं तो इट इज़ नॉट मच डीपर तो ये खाली आपको इंट्रोडक्टरी टाइप इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो सो दैट व्हेन वी विल गो इन द हायर क्लासेस सो इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू विद दिस टर्म्स ठीक है तो इसमें क्या क्या हम देखें कि रेन फॉरेस्ट का जो डेंस रूप टाइप लिप्स होता है एंड शेड टोलरेंट वेजिटेशन ग्रो अंडर ग्राउंड ओवर दी ग्राउंड एंड प्लांट पैरासाइट्स भी बहुत प्रीडोमिनेंट है एंड इसका जो बाढ़ स्पेसिस है टोकन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट uh, बार्ड है इसको आप रिमेंबर करिए एंड ब्रिलियंटली कलर्ड बार्ड्स भी मिलते हैं बहुत वेराइटीज ऑफ बार्ड्स एनिमल्स लाइक मंकी स्लॉथ एंड एंट ईटिंग तापर्स मिलता है एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर जो स्नैक स्पेशस मिलता है फ्लैश ईटिंग पिरा फिश मिलता है ठीक है एंड पीपुल क्या क्या उधर ग्रोथ करते हैं मेन क्रॉप्स क्या है टेपियो का पाइनएपल एंड स्वीट पोटैटो उनका स्टेपल फूड क्या है मैन्योक और काशावा भी बोलते हैं एंड दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स ठीक है एंड कैश क्रॉप क्या ग्रोथ होता है उसका, उधर कॉफी मेज एंड कोकोआ ठीक है तो uh, उनका जो सेटलमेंट uh, है थेच हाउस शेप्ड लाइक बीहिप्स बी हिप्स के तरह उनका हाउसेस होता है एंड लार्ज अपार्टमेंट लाइक ऑल्सो हाउसेस होता है उसको मेलो कहते हैं ठीक है थीके? एंड नाउ इट इज डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैपनिंग विथ दिस विल मूव टू द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देख देख लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मीन्स जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जहाँ ड्रेनेज करते हैं जहाँ कैचमेंट एरिया है उसको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं ये देखिए गंगा गंगा जी का रिवर उसका ट्रिब्यूटरीज ये सारे एंड ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड्स ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ठीक है तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे ये इसका मेन मेन सिटीज़ कहाँ हैं इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड uh, मेन मेन क्रॉप्स क्या है क्लाइमेट क्या है उसके बारे में दी इक्वेटोरियल जोन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घगरा सन चंबल गंडक कोशी ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र बहुत सारे है ये जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज जो पेन ट्रिब्यूटरीज आई विल शो यू जैसे ये पेन इंसुलर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ये सब सोन चंबल ये सब जो पेन ट्रिब्यूटरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड ब्रह्मपुत्र का जो ये सब ट्रिब्यूटरीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसको आप मैप में हमेशा लोकेट करिए देखते रहिए सो दैट इट तो वुड बी इजीली इनकल्केटेड इन योर माइंड ठीक है तो विल डिस्कस ऑल्सो टुडे द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र द माउंटेन्स एंड द फूट ये जो गंगा बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किसको किसको इंक्लूड करता है प्लेन भी इंक्लूड होता है माउंटेंस भी इंक्लूड होता है फूट भी इंक्लूड होता है एंड सुंदरबन डेल्टा ठीक क्योंकि ये माउंटेनस रीजियन से आता है ये जो गंगा उत्तराखंड ये क्या माउंटेनस एंड फूट हिल रीजियन इधर भी जो अरुणाचल प्रदेश आ, हमारा मणिपुर आसाम इधर भी हमारा फूट हिल्स भी है माउंटेन्स भी है तो आ, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड्स बहुत प्लेन एरिया लाइक इंडो गेंजेटिक प्लेन एज वेल एज माउंटेनस एंड फूट हिल्स जोन एज वेल एज डेल्टा रीजन ये जो डेल्टा रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको भी इंक्लूड करता है तो ये बहुत भास्ट बेसिन है ठीक है लेक्स डॉट दी प्लेन एरिया अक्सबो लेक आपको समझाया था जब लैंड फॉर्म वेरियस लैंड फॉर्म्स आई वॉज डिस्कसिंग दी एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट कौन सी क्लाइमेट से ये डोमिनेटेड है मॉनसून क्लाइमेट ठीक है इंडियन मॉनसून द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर द समर्स आर हॉट एंड ये जो क्लाइमेट क्या है मॉनसून क्लाइमेट है Uh, ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस सो नो नीड टू वरी अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कम्स अंडर सब ट्रॉपिकल रीजियन विथ मानसून क्लाइमेट एंड एमेजोन बेसिन कहाँ था हॉट एंड वेट क्लाइमेट ठीक है ट्रॉपिकल रीजन में था इक्वेटोरियल जोन उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट ठीक तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इट इंक्लूड्स बहुत प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र माउंटेन्स एंड फूट हिल्स एज वेल एज सुंदरबन डेल्टा तो द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी द एनवायरमेंट प्लेज ए डोमिनट डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन दे फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुइटेबल लैंड फॉर ह्यूमन एविटेशन जैसे कि हम देखें जो बेसिन इट इंक्लूड्स बोथ माउंटेन्स एज वेल एज फूट हिल्स एज वेल एज प्लेन्स एंड डेल्टाइक रीजियन तो जो माउंटेन एंड हिली एरियाज़ है दैट इज ऑब्वियसली इनहॉस्पिटेबल टेरेन विथ स्टीप स्लोप्स आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा एंड सेटलमेंट uh, के पर्पज़ से भी डिफिकल्टी होता है देयर वुड बी स्पार्स पॉपुलेशन बहुत डिस्क्रिक्ट पॉपुलेशन रहेंगे बट इन प्लेन एरियाज लाइक इंडो प्लेन जैक बिहार यूपी उसमें बहुत डेंस पॉपुलेशन है बिकॉज इट इज़ प्लेन एरिया फर्टाइल लैंड सो देआर वुड बी डेंस पॉपुलेशन ठीक है सो दे आर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुइटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन दॉयल इज फर्टाइल एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल इन दिस फ्लैट लैंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई तो ये हमारा सेटलमेंट एंड टोपोग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर लिए अभी देखते हैं कि ये कैसे माउंटेन है ये इसका टोपोग्राफी देखिए ये माउंटेनस रीजियन भी इंक्लूड करता है ये तिब्बत का कुछ रीजियन भी है तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन ब्रह्मपुत्र का बेसिन में आता है ये ये पूरा लैंड इंक्लूडिंग डेल्टा ये पूरा वेरी टोपोग्राफी टोपोग्राफी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉल ये इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स तो ये वेरीड टोपोग्राफी मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन फूट हिल एज वेल एज प्लेन एज वेल एज डेल्टा ठीक है बेरीड टोपोग्राफी तो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसा लाइफ है मेन क्रॉप क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पेड़ी है पेड़ी मतलब राइस पेड़ी मतलब राइस राइस इसको जोग्राफिकल टर्म में पेड़ी बोलते हैं मेन क्रॉप इज पेड़ी सिंस कल्टीवेशन ऑफ पेड़ी रिक्वायर सफिशियंट वाटर इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई तो ये जो पेड़ी कल्टिवेशन के लिए राइस कल्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए बहुत हाई रेनफॉल चाहिए दैट इज मोर देन हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल वी रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट राइस तो सो इन दैट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वेयर एवर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वी ग्रो मेन क्रॉप इज पेड़ी उसके बाद उसके अलावा भी व्हीट है मेज है स्वर्गम है ग्राम है एंड मिलेट्स एट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन तो ये सब ध्यान में रखिए इससे इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बल्कि हम इंडियन एग, एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे इसको मॉर डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे बट स्टिल एज वी जितने बार आप देखोगे ये टर्म्स जित, जितने बार आप आ, इसको पढ़ेंगे तो उतना आपके दिमाग में ये सेट होगा कि ये ये जगह पे हमारा ये ये कल्टिवेशन होता है ये ये क्रॉप्स ग्रोथ होता है ठीक है सो ऑलवेज गिव अटेंशन वेन यू कम एक्ट्रस क्रॉप्स क्लाइमेट्स लोकेशंस जहाँ भी जब भी जब भी आता है उसको आप ध्यान में रखिए हमेशा क्या स्क्रब्स क्या स्क्रब मीन्स दोज विच आर ग्रोन फॉर दी कमर्शियल पर्पस उसको कैश क्रप्स बोलते हैं व्हीट राइस ये क्या फॉर कंजम्पशन पर्पस उसको ग्रोथ करते हैं बट शुगर कैन आप खाने से आपको कुछ मिलेगा क्या उससे नहीं मिलेगा सो इट इज ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस इसीलिए उसको कैश कैश क्रप्स कहते हैं तो उसका कोई मतलब कंजम्पशन पे उतना डिपेंड नहीं करते हैं तो ये कॉमन सेंस ये आपको डेवलप करना है कैश क्रॉप्स क्या है जिससे हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं कल्टीवेट करते हैं लाइक शुगर कैन एंड ज्यूट कॉफी टी ये सब कैश क्रॉप्स है बानाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन ऑल्सो बनाना भी एक कैश क्रॉप है ठीक है इन वेस्ट बंगाल एंड आसम टी इज ग्रोन सिल्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड दिस इज ऑल्सो ए कैश क्रॉप तो सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रो दी कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन द पार्ट ऑफ़ बिहार एंड आसाम ये इंपॉर्टेंट है बिहार एंड आसाम में सिल्क भी प्रोड्यूस होता है सिल्क ठीक है बानाना कहाँ प्रोड्यूस होता है बनाना प्लांटेशन आर ऑल्सो डन इन प्लेन लाइक बिहार वेस्ट बंगाल ये सब एरिया में बनाना ग्रोथ होता है इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वे आर स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन इन टेरेसेस टेरेस फार्मिंग आपको समझाया था जैसे थोड़ा सा स्लोपी एरिया है इफ़ वी विल ग्रो क्रॉप्स ओवर दिस स्लॉप देन दिस सॉयल विल वॉश अवे विथ द रेन बारिश होगा तो ये जो टॉप सॉयल है वो इरोजन uh, uh, हो जाएगा वॉश अवे हो जाएगा तो इसलिए हम इसको आ, स्टेप स्टेप करके बनाते हैं इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं तो इससे क्या होगा हमारा जो आ, रेन वाश है सॉयल वॉश बहुत स्लो हो जाएगा तो इट विल नॉट वॉश लाइक दिस कंडीशन स्लोप को हम कट करके टेरेस फार्मिंग बोलते हैं इसको टेरेस एग्रीकल्चर भी बोलते हैं ठीक है ये स्लोप के ऊपर होता है द वेजिटेशन कवर ऑफ़ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर के बारे में ये वेजिटेशन कवर मतलब वे जो नेचुरल वेजिटेशन है कैसे प्लांट्स होता है ठीक है वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लान फॉर्म इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसीडोस ट्रीज आर प्रीडोमिन ट्रॉपिकल डेसीडोस ट्रीज हम डिस्कस किए थे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उधर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है हार्ड उड ट्रीज लाइक रोजवुड ये सब मिलता है उधर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ट्रॉपिकल डेसिडोस ट्रीज कहाँ मिलता है ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है मोस्टली इट कम्स अंडर मानसून क्लाइमेट वी डिस्कस्ड मानसून क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट क्या है ट्रॉपिकल डेसीडोस वेजिटेशन उधर डेवलप होता है मानसून क्लाइमेट में ट्रॉपिकल डेसीडोस ट्रीज आर ग्रोथ तो ट्रॉपिकल डेसिडोज ट्रीज का मेन मेन जो ट्रीज था हमने यस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड लाइक टील साल सा, पीपल एंड नीम ऑल्सो तो ये हमारा ट्रॉपिकल डेसिडोज का मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज है इसको आप रिमेंबर करिए इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा तो नो नीड टू ऑरी तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है तो विच आर द वेजिटेशन फाउंड इन द इंडिया व्हिच आर द वेजिटेशन वी विल ट्रीज वी विल फाइंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो ऐसे दो तीन ऑप्शन दे दिया होगा तो इफ़ यू यू डू नॉट नो देन यू वुड बी कन्फ्यूज एंड यू कैन नॉट आंसर तो ये सब को ध्यान दीजिएगा जब पढ़ाई करते हैं ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए तो थींक बाम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन बाम्बू बाम्बू जो होता है वो भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत होता है जै अच्छा वेस्ट बंगल ऑल्सो तो द डेल्टाइक रीजियन जो डेल्टा एरिया हम देखें इज कवर्ड विद द मैंग्रूव फॉरेस्ट मैंग्रूव फॉरेस्ट मीन्स दर्ज आर सॉल्ट रेजिटेंट प्लांट्स ये जो मैंग्रूव ट्रीज होता है वो सॉल्ट रेजिस्टेंट सॉल्ट रेजिस्टेंट मीन्स वो दिस इज क्लोज टू सी अगर देखेंगे ये है डेल्टा रीजियन दिस इज वेरी क्लोज टू सी तो सी वाटर भी इसको फ्लोडिंग uh, uh, करता है ये जो डेल्टाइक रीजियन तो इधर जो ट्रीज होता है दे आर ग्रोन विथ सल्ट रेजिस्टेंट ट्रीज उसको मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं ठीक है सल्ट मतलब सल्टी वाटर में भी वो ग्रोथ करता है तो वो सुंदर जंगल होता है उधर हमारा जो रॉयल बेंगल टाइगर मिलता है ठीक है तो द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कन्नी फेरेस्ट रीज क्यों क्योंकि जब हायर रीजन uh, में जाएंगे हमारा हिमालय का एज वी वीर डिस्कस्ड यस्टरडे कि एज वी गो अप इन द हिमालय दैट क्लाइमेट विल बी वेरी कोल्ड सो वी फाइंड कन्नी फेरेस्ट ट्रीज सो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी हायर हिमालय भी आता है तो कन्नी फेरेस्ट रीज भी मिलता है लाइक पाइन देवोदर एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप अगर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का वेजिटेशन के बारे में प्लांट के बारे में अगर पूछता है इट इंक्लूड्स बहुत ट्रॉपिकल डेसिड्यस ट्रीज इट विल ऑल्सो इंक्लूड एवरग्रीन ट्रीज इट विल ऑल्सो इंक्लूड सुंदरबन डेल्टा ट्रीज लाइक मैंग्रोव ट्रीज इट विल ऑल्सो इंक्लूड कोल्ड क्लाइमेट ट्रीज लाइक कॉनी ट्रीज लाइक पाइन देोदार एंड फीत ठीक है अगर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन रिलेटेड कोई भी प्लांट्स पूछता है तो इट हैज वेरिड क्लाइमेट एक तो ट्रॉपिकल डेसीडियस क्लाइमेट फॉरेस्ट भी मिलता है अरुणाचल प्रदेश आसाम ऊपर जाओगे तो उधर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा अगर हायर हिमालयन रीजन में जाओगे तो कोल्ड क्लाइमेट में जो ट्रीज मिलता है वो ट्रीज मिलेगा जैसे डेल्टा रीजन में आओगे तो मैंग्रोव ट्रीज मिलेगा सो so, वेराइटीज ऑफ ट्रीज यू विल गेट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये मेन मेन क्रॉप है देख लीजिए टी प्लांटेशन होता है आसाम रीजन में बनाना होता है भी आसाम एंड वेस्ट बंगाल में हुईट कल्टीवेशन होता है एंड मोन क्रॉप जो है पेड़ी है मतलब जो राइस कल्टीवेशन, शुगर कैन कैश क्रॉप सिल्क भी हमारा कहाँ बिहार एंड वेस्ट बेंगल में बिहार एंड आसाम बिहार एंड आसाम में सिल्क की ग्रोथ होता है ये ट्री टी प्लांटेशन कर रहे हैं ये टी प्लकिंग कर रहे हैं हुईट ग्राम्स मेज एंड मिलेट्स ऑल्सो ग्रोन तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं ठीक है एनी डाउट्स स्टिल नाउ देख यू कैन प्लीज आस्क

अंजलि है जो हुई हुइ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है इम्पोर्टेंट है लाइक कि पेरेंट रॉक जो रॉक से वो सॉइल बनता है द पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो भी डिपेंड करता है एंड वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी वो न, वो सारे फैक्टर्स रहता है ठीक है एंड सॉयल फॉर्मेशन के बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन आवर हायर क्लासेस सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन बेसिन एलिफेंट्स टाइगर्स डियर एंड मंकीज आर कॉमन दी वन हर्न डाइनोसोर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन ठीक है ये वन हर्न डाइनोसोर्स कहाँ मिलता है ब्रह्मपुत्रा प्लान में आसाम में मिलता है हमारा नेशनल पार्क्स में मिलता है इन द डेल्टा एरिया बेंगल टाइगर क्रोकोडाइल्स एंड एजिलेटर एलिटिटर्स आर फाउंड एक्वाटिक लाइफ अबाउंस इन द फ्रेश रिवर वाटर्स द लेक्स एंड द बे ऑफ बेंगल सी द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर रोहू कटला एंड हेल्सा फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट जैसे स्टेपुल डायट मतलब जो मेन डाइट होता है लोगों का फिश एंड राइस इन दिस ब्रह्मपुत्र गैजेटिक प्लेन एरियाज में ठीक है एंड uh, ये गंगा में भी एक डॉल्फिन मिलता है आ, गंगा, ब्लाइंड डॉल्फिन उसको बोलते हैं डॉल्फिन मिलता है गंगा रिवर में न, वो ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं उसको तो दैट दैट शोज द पोल्यूशन लेवल ऑफ द गंगा आ, अगर ये डॉल्फिन नहीं मिलते हैं दे, देर आर वेरियस डॉल्फिन स्पेशस आर डाइंग डोल्फिन डाइंग बिकॉज ऑफ हाई पॉल्यूशन इन द गंगा रिवर सो इट्स वॉज द पॉल्यूशन लेवल ऑफ द गंगा अगर डलफिन नहीं मिलता है गंगा में दैट मीन्स इट्स वॉज कि गंगा इज हाईली पोल्यूटेड ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़ लाइक इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पाटना ये सब इम्पोर्टेंट सिटीज है देर आर मोर देन टेन लैक्स ऑफ पॉपुलेशन आर लोकेटेड इन दिस सिटीज एंड देस्ट वाटर फ्रॉम दिस सिटीज एंड टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज आर डिस्चार्ज इन टू दिस रिवर्स दिस लीड्स टू पल्यूशन ऑफ़ द रिवर्स ऑल दि फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन दाटर वेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग दी रिवर्स कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट अंदर रिवर हुगली कौन सी रिवर के ऊपर है कोलकाता नहीं इम्पोर्टेंट रिवर हुगली ठीक है द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स टूरिज्म बहुत डेवलप्ड है ये बेसिन में लाइक ताजमहल इन आगरा इट इज अंदर रिवर यमुना इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज हो गया है अंदर कॉन्फ्लुएंस रिवर्स ऑफ गंगा एंड यमुना बुद्धिस्ट तुप बिहार एंड यूपी में बहुत सारे हैं लखनऊ में बहुत इमाम ब्रा है मतलब इमाम का बहुत घर है लखनऊ में तो वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस है आसाम विथ काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम में अरुणाचल प्रदेश विथ ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर अरुणाचल ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 2000 आर फुल ऑफ़ ट्राइबल कल्चर्स एंड टूरिज्म अट्रैक्शन भी बहुत है तो ये नॉर्थ हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमारा बहुत सारे मेन मेन सिटीज है इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना कोलकाता ऐसे और आप मैप खोलकर वो सब कौन सी कौन सी मेन सिटीज़ है उसको लोकेट करिए एंड कौन सी कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है उसको लोकेट करिए तो ये सब एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व करेंगे तभी आप लर्न करेंगे ग्रो करेंगे मैं इधर आपको कितना भी पढ़ा दूँ कितना भी समझा दूँ दैट इट वॉन्ट गेट इन टू माइंड ये सब जो मैप पिंग वर्क है आपको खुद करना पड़ेगा एंड लेटर ऑन आई विल ऑल्सो टेक मेन इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ द इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड तो अब तक के लिए जब जो, जो भी पढ़ाता हूँ मैं ये जो क्लासेस में यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ कि कौन सी रिवर कहाँ जा रहा है कौन सी सिटीज है वो रिवर बैंक है तो ये सब आपका एक्टिविटीज आपको करना है तो बी एन एक्टिव लर्नर रेदर देन जस्ट पेशिव लर्नर मैं तो इधर बता दूंगा और आप सुन लिए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद इन्वॉल्व होकर खुद इंटरेस्ट लेके नहीं करोगे तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये इसमें ये मैप मैं आपको शो किया हूं कि आ, कुछ ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता दूँ जो जो इम्पोर्टेंट है तो आप खुद इंडियन मैप खोल के गंगा ब्रह्मपुत्र जो जो उनका ट्रिब्यूटरीज है उसको देखिए ट्रिब्यूटरीज मतलब जो मेन रिवर है उसका जो आ, रिवर्स छोटे छोटे रिवर्स उसको ज्वाइन करते हैं उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं तो ये जो गंगा का जो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज इसको बोलते हैं क्योंकि वो पेनिनसुलर इंडिया से जाता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ठीक है दे, देखिए बोनस चंबल ये चंबल है मेन ट्रिब्यूटरी किसका है यमुना का तो इसका बनस है उसका चंबल का ट्रिब्यूटरी बनस है एंड सिमिलरली बेतुआ भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल बेतुआ सोन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना ठीक है सोन तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है बेतुआ एंड चंबल एंड कैन ऑल्सो तो ये सब यमुना का मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया हिमालयन रीजियन से तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है उसको भी आप फाइंड आउट करिए जैसे घगर घगर हो गया गंडक हो गया रामगंगा हो गया गोमती हो गया ये सब मैन मैन ट्रिब्यूटरीज है उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है प्लीज़ फाइंड आउट इन द मैप तो ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरीज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रलिम से प्रिलिम में बहुत सारे क्वेश्चन है पूछता है लाइक देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से प्रदेश में है ये जो दीवांग ये आ रहा है ये हमारा धनसिरी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है नागालैंड में है ठीक है और मानस ये हमारा इसी के नाम से हमारा मानस नेशनल पार्क है तिस्टा रिवर इधर है तिस्टा रिवर आ, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट रिवर इट इज फ्लोइंग थ्रू हमारा सिक्किम सिक्किम से निकलता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट मीट्स इन द बांग्लादेश ठीक है एंड ये शुभान ये देखिए शुभान रिवर इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरीज है तो ये ऐसे ऐसे ट्रिब्यूटरीज को आप ध्यान में थोड़ा रख के आप देखते रहिए तो एक एक बार में आपको याद नहीं रहेगा इट इज़ इट इज नेचुरल एंड एक बार में आप कोशिश मत करोगे आपको सारे याद रह जाएगा नो यू हैव टू सी अगेन एंड अगेन जितना बार आप मैप खोलोगे जितना बार आप ट्राई करोगे कोशिश करोगे पॉइंट आउट करने के लिए देखने के लिए उतना इजीली वो रिमेंबर होता चला जाएगा तो आप एक बार में आप सोचोगे कि मेरा याद रह जाएगा मैं बता दूंगा ऐसा हो नहीं सकता है डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा है याद नहीं रह रहा है ये मैपिंग पर थोड़ा सा इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जब बार बार अगेन एंड अगेन यू विल रिवाइज इट देन इट वुड बी इजी बिकॉज जो हमारा इमेज मेमोरी होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है एक बार आपको समझ में आ गया देन यू इट विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड ये सारे मैं ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज दिखाया हूँ ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप एक बार अच्छे से कर लीजिए आपको मैपिंग में ठीक है सो दिस विल मूव फर्दर आई विल डू एक्सरसाइजेस नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन हुई दमेजन बेसिन इज लोकेटेड ऑब्वियसली साउथ साउथ अमेरिका में है ठीक है व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाई द पीपुल ऑफ द अमेजन बेसिन क्रॉप्स क्या क्या है कैश क्रॉप्स क्या क्या था हमारा कोकोआ कॉफी एंड शुगर कैन ऑल्सो तो ये हमारा अमेजोन मेशीन में था एंड अदर क्रॉप्स लाइक एक बार देख लेते हैं टेपियो का पाइन एंड स्वीट पोटैटो दीज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन ग्रॉन्देयर एंड uh, जो हमारा कॉफी मेज एंड कोको आर द कैश क्रॉप्स वी ग्रीव ठीक है ये जो मेन क्रॉप्स है उनका जो स्टेपल फूड है मैन्यक था ये इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा ठीक है वट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ़ द एमाजन मेसिन नेम दार्स दैट यू आर लाइक लू टू फाइंड इन द रेनफोरेस्ट ऑफ द एमाजन कौन सी बार था हमारा जो आपको बताया था टोक uh, जो उसका लार्ज बिल रहता है ओवर साइज बिल्स वो आ, इसको याद रखिए ये कभी कभी पूछता है दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा लाइक इलाहाबाद पाटना कोलकाता ये सब आ, रिवर गंगा पे लोकेटेड है व्हाट आर व्हाट इज द वन हर्ड डाइनोसोर्स वेट इज द वन हर्ण फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन आसाम ठीक है तो टिक द करेक्ट आंसर टोकन्स आर टाइप ऑफ बार्स मेन्यू इज द स्टेपल फूड ऑफ एमाज़न बेसिन ऑब्वियसली कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली देवदार्स एंड फीर्स आर टाइप्स ऑफ कर्नीफेरस फॉरेस्ट कर्नीफेरस ट्रीज बेंगल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया डेल्टा रीजियन में जो हमारा बेंगल टाइगर मिलते हैं वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी मैच दी फॉलोइंग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन एंड टेक्सटाइल इट इज नोन एज सेरिकल्चर मेलो का जो सेटलमेंट होता है अमेजन बेसिन पे एक वन टाइप ऑफ सेटलमेंट विथ स्लैंटिंग रूप्स ये है तो पिराना हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं जो फीस है एक फ्लैश इटिंग फीस है इट इज फाउंड इन अमेजन बेसिन सिल्क वर्म जो है गंगा प्लेन में होता है सिल्क वर्म काजीरंगा जो है कहाँ मिलता है आसाम में मिलता है ठीक है दी रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग रेनफॉरेस्ट क्यों डिप्लीट कर रहा है उसका रीजन दीजिए बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन एमजन मेसिन द रेनफॉरेस्ट आर डि डिप्लीटिंग ऑल्सो स्लाश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रिडोमेंट बाई द ट्राइब्स देयर सो रेन फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग तो पेडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन वाई बिकॉज ऑफ देयर इज प्लेंटी रेनफॉल फर्टाइल प्लेन लैंड सो दे पेडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन विद दिस विल एंड आवर सेशन so uh, if, uh, if you are subscribing to the unacademy please use my code spjana so you will get 10% discount directly and uh, if you like uh, learned something from today's session please if you liked the video please like it and subscribe to this unacademy uh, and uh, thank you so much for being with me thank you uh, see you again tomorrow and uh, meet you in a special class join me in the special class tomorrow i will take uh, a class 6 summary uh,